जोहार साथियों, साथियों यहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर आपने कभी ये सोचा है कि एक सिंपल सा साधारण सा युवक जो एक गांव में रहता है, सिंपल से नॉर्मल गांव में, और वो इंसान, वो व्यक्ति, वो युवक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। झारखंड के घने जंगलों से उठी आवाज अंग्रेजों के लिए या फिर अंग्रेजी साम्राज्य के लिए उलगुलान यानी महान विद्रोह का बिगुल फूंक देता है। तो इस तरीके से यहां पर जो हम बात करने वाले हैं डिटेल में, पूरी जो कहानी यहां पे मैं समझाने वाला हूं, वो यहां पर डिटेल कहानी किनकी है, तो वो है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, जिनकी जयंती हमने 15 नवंबर को मनाई, राइट। तो अब यहां पर इनके बारे में डिटेल में हम वो सारी चीजें जानेंगे जो आज तक हर किसी को नहीं पता है। मात्र यहां पर 24 साल और 7 महीने में उन्होंने कितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं आदिवासी समाज के लिए, क्या क्या यहां पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, ये हमें सबको जानने की जरूरत है, सारा इतिहास खंगोलने की जरूरत है, राइट, जो आज तक के छुपा के रखा गया था। दोस्तों, यहां पर भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा उस टाइम में अपने लोगों के हक और उनके जमीनों के लिए एक क्रांति उत्पन्न कर दी, एक क्रांतिकारी पूरा माहौल पैदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारियों के द्वारा, जो जमींदार उस टाइम के थे बाहरी जमींदार, उनके द्वारा आदिवासियों की जितनी भी जमीनें थी सारी सारी हड़प ली जा रही थी, और इसीलिए इस युवक के द्वारा, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा महान क्रांति को जन्म दिया, जिसे सदियों तक, आने वाली सदियों तक जिसको याद रखा जाएगा, और एक बहुत बड़ा एक जो आदिवासी इतिहास है वो यहाँ पर सबको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए यहाँ पर जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा की उस कहानी के बारे में, जहाँ पर जिन्होंने ये कहा था कि ये जो धरती है ये हमारी है, ये इससे, मतलब हमसे ये कोई छीन नहीं सकता है। सिंपल यहाँ पर इन्होंने एक नारा भी दिया था, राइट। फिर से यहां पर बता दे रहा हूं क्या बोले थे, कि यहां पर भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ये कहा गया था कि जो धरती है हमारी है, हमसे कोई ये छीन नहीं सकता। और यहां पर जो भगवान बिरसा मुंडा है, ये एक नेता के रूप में भी, आदिवासी नेता के रूप में भी उभरे, लेकिन सबसे बड़ी तौर पे यहां पे एक समाजसेवी तौर पे भी इन्होंने काम किया। तो इस तरीके से यहां पर इनके बारे में यदि हम बात करें, तो इनका जो जन्म है वो कहां पर हुआ था, तो झारखंड के वर्तमान खूंटी जिले में, खूंटी के उलीहातू जो गांव है उसमें हुआ था। कब हुआ था? तो यहां पे 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है। एक बहुत ही गरीब परिवार में, बहुत ही मतलब ऐसी हालत परिवार की कि यहां पर सिंपल जो खाने पीने के लिए, डेली के राशन पानी के लिए जो व्यवस्था है वो भी उसे करना मुश्किल था, राइट। इस तरीके का था। क्यों? क्योंकि उस टाइम का जो माहौल था, उसमें जो जमीन वगैरह होती थी, खेती वगैरह होती थी, उसमें जो जमीनें थी वो सरकार ने हड़प ली थी, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, और बहुत सारे बाहरी जमींदार आए हुए थे, उन्होंने जो जमीन थी वो ले ली थी। इस वजह से जो गांव की जो हालत थी, आदिवासी समुदाय की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, राइट। और इसीलिए यहाँ पर इन्होंने उलगुलान का शुरुआत किया, उलगुलान नामक क्रांति का प्रारंभ किया, एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया, राइट। अब विद्रोह को जन्म देने के कारण पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जानेंगे, मतलब टू द पॉइंट सारे फैक्ट समझेंगे। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें कि भगवान बिरसा मुंडा के बाल्यावस्था की, तो यहां पर बाल्यावस्था में इन्होंने सबसे पहले ईसाई मिशनरी स्कूल से यहां पर पढ़ाई स्टार्ट की, और वहां पर उनको जो नाम दिया था वो बिरसा डेविड नाम दिया गया था उस स्कूल के द्वारा, राइट। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने जो मिशनरी स्कूल है और उनका जो धर्म है उनको छोड़कर अपने मूल आदिवासी जड़ों की ओर लौट आए, और उसके बाद में फिर यहाँ पर जो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों के जो शोषणकारी नीतियाँ थी उनके खिलाफ वो मैदान में कूद गए। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इनके संघर्ष और इनके जो आंदोलन की, तो यहाँ पर इनके विद्रोह करने का जो मेन कारण वो ये था कि बिरसा मुंडा के द्वारा ब्रिटिश शोषण और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। फिर से यहाँ पर सुनना है कि बिरसा मुंडा के द्वारा ब्रिटिश शोषणकारी जो नीतियाँ थी और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई गई। तो जमींदारी व्यवस्था यहाँ पर क्या थी? तो उस टाइम जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। कब? तो 1895 में, 1895 में। और इस नीति के कारण, इस जमींदारी व्यवस्था के कारण बहुत सारे, मतलब पूरी तरीके से आदिवासी या फिर किसानों की जितनी भी जमीनें थी उनके ऊपर टैक्स, भारी भरकम टैक्स लगा दिए, और पूरी तरीके से गरीब आदिवासी लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया, राइट। और उसके बाद में जो टैक्स नहीं भर पा रहा है उनकी जमीन हड़प ली जाती है, और बाहर से जो आए हुए जितने भी
जो जमींदार है उनके द्वारा उनको ठेके पे रूप में दे ठेके के रूप में दे दिया, उनको टेंडर के रूप में टैक्स इकट्ठा करके उनको देना है, जो टैक्स नहीं देता है नहीं दे पाता है उनकी जमीन को हड़प लो, राइट। तो इस तरीके से जो आदिवासियों की जो जमीनें थी वो पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के कब्जे में थी, राइट। और इसी के खिलाफ, इसी हक को वापस लेने के लिए, इन्हीं जमीनों को वापस लेने के लिए और आदिवासियों के जो पारंपरिक जो साधन है, पारंपरिक जो से के जो परंपराएं हैं या फिर सुविधाएं जो शुरुआत में थी उनको संचालित करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी संस्कृति को यहाँ पर बिरसा मुंडा के द्वारा उलगुलान का शुरुआत किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध की नीति बनाई और युद्ध छेड़ दिया, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो संघर्ष है ये सदियों तक याद किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में काफ़ी वर्षों तक काफ़ी दबा के रखा गया, इसको उजागर नहीं किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे हर एक चीज़ टू द पॉइंट बाहर निकल के आ रही, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये जो वीडियो है ये हर किसी को देखने की आवश्यकता है और हर किसी का ये कर्तव्य बनता है कि दोस्त यहाँ पर इस वीडियो को सब्सक्राइब तो कर, चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके हर ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आप भी एक समाज सेवा के तौर पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10% काम कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, राइट। जिससे समाज में क्या होगा, जागरूकता आएगी और समाज और भी अपनी जो जो भी कमी पेशियाँ है उसको दूर करेगा और आगे शिक्षित होगा, समझदार होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर आता है अगला वाला पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि बिरसा का बलिदान। मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने एक समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया और बलिदान दे दिया अपना, मतलब समाज के लिए और देश के लिए न्योछावर कर दिए अपने प्राण, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके से कैसे हुआ, ये 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनको रांची जेल में भेज दिया गया, मतलब उनको बंद कर दिया गया। काफ़ी टाइम तक, कम से कम 3 से 4 महीनों तक प्रताड़ित करने के बाद, उनको कष्ट देने के बाद में यहाँ पर 9 जून 1900 को इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। और लास्ट में ये बताया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई है वो किसी बीमारी की वजह से हुई, जबकि बिरसा मुंडा वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया था, समझाया था, राइट। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले एक युवा थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि आज तक ये, मतलब एक प्रकार से एक विवादास्पद जो पॉइंट है वो ये है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किसी भी प्रकार से कोई बीमारी से नहीं हुई थी, ये अंग्रेजों के द्वारा एक किया गया षड्यंत्र था। ये 24 ईयर 7 मंथ तक केवल इनका जीवन था, मतलब एक बहुत ही छोटा एक कार्यकाल था जब इन ये जिए, 24 साल और कितना 7 महीने। बहुत सारे लोग तो इस टाइम में, इतनी एज में समझदार तक नहीं हो पाते, राइट। लेकिन एक युवा ने इतना बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन किया और बहुत बड़ा काम किया, क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है इनका बलिदान और इनका जो एक प्रकार से जो संघर्ष है और इन्होंने अपने जो प्राण न्योछावर किए देश के लिए और समाज के लिए क्या क्या किया, ये सारा सब कुछ यहाँ पर बताया। और अब यदि हम विरासत की बात करें, इनके विरासत की बात करें, तो विरासत के बारे में यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है, अच्छी तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पर इनके विरासत की हम यदि बात करें तो बिरसा मुंडा भारतीय आदिवासी इतिहास में एक अमर प्रतीक है। उनकी जयंती 15 नवंबर झारखंड राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है और भारतीय सरकार ने उनकी स्मृति में कई संस्थान प्रारंभ किए हैं, कई संस्थान खोले हैं और कई योजनाएं शुरू की हैं, राइट। उसके बाद में फिर आगे यदि बोलें तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें तो रांची में बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय उनके नाम पर स्मारक आदि बने हैं, राइट। तो बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, रांची में है और रांची जेल में ही उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, राइट। और उनके नाम पर स्मारक भी बने हैं, राइट। तो इस तरीके से उनके जो पैतृक गांव है वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से उनका स्मारक, उनकी मूर्ति वगैरह लगाया हुआ है, जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग देखने के लिए भी आते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो पीएम सीएम वगैरह सारे सब कुछ वहाँ पर जाते हैं, राइट, फोटो खिंचवाने के लिए और वहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए, एक प्रकार से अपनी नेतागिरी को बढ़ावा देने के लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हैं। और मुख्य रूप से इनके योगदान की हम यदि बात करें तो इनका जो योगदान है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है समाज के लिए,
वो योगदान में कुछ पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ जिसको आपको सुनना है, समझना है। हालांकि बहुत बड़ा योगदान है लेकिन सारा सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आदिवासियों की भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले रहे, सबसे आगे रहे और अंग्रेजों से लड़े, भूमि की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए, राइट। फिर यहां पर देखें आगे तो आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, धर्म को पुनर्जीवित करना इनका सबसे पहला लक्ष्य बन गया था, क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखें यहां पे तीसरे नंबर पे तो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ साहसी विद्रोह कई मुद्दों को लेकर, राइट। तो इस तरीके से यहां पर बिरसा मुंडा की जो स्टोरी है, बिरसा मुंडा का जो एक प्रकार से बायोग्राफी बोलो या फिर से कि उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी बोलो, वो यहां पर समाप्त होती। हालांकि जानकारी इतनी ज्यादा डिटेल में है कि कम से कम 1.5-2 घंटे इसमें पूरे से लग सकते हैं, इतनी बड़ी उनकी कहानी है। लेकिन यहां पर इस वीडियो में पूरा ऐसा कि 2 घंटे तक का वीडियो तो बना नहीं सकते हैं, इतना पॉसिबल है नहीं। इसलिए यहां पर शॉर्टकट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको यहां पर नई नई मिली होगी और समझ में आया होगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और हाँ, 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करें और यहां पर इसको शेयर भी कर दें, ताकि हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति इस वीडियो को देख सकें और अपने जो इतिहास है उसको जान सकें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।